एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। एलन मस्क को एक जबरदस्त इनोवेटर भी कहा जाता है। हालांकि कभी कभी वो कुछ ऐसा भी कर जाते हैं जिससे उनकी चर्चा शुरू हो जाती है। ट्विटर पर किसी से भिड़ जाना या फिर किसी के बारे में कुछ भी बोल देने वाले एलन मस्क ने अमेरिकी चुनाव में घोषणा करके सबको चौंका दिया है। एलन मस्क ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक वो हर दिन किसी एक शख्स को भारतीय रुपये में 8 करोड़ से ज्यादा रुपये देंगे। दरअसल अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने अमेरिकी मतदाताओं से ये वादा किया है कि राष्ट्रपति चुनाव तक वो हर दिन किसी एक वोटर के पास $10,00,000 जीतने का मौका देंगे। उन्होंने इसके लिए शर्त का ऐलान करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति उनकी अमेरिकी संविधान का समर्थन करने वाली याचिका के लिए साइन अभियान में हिस्सा लेगा उनमें से किसी एक अमेरिकी वोटर को वो $10,00,000 का इनाम मिलेगा। मस्क ने यह कहा कि ये ऑफर चुनाव की तारीख 5 नवंबर तक हर दिन तक जारी रहेगा। दिलचस्प बात यह भी है कि मस्क ने शनिवार को इस ऐलान के साथ साथ अपनी याचिका के समर्थन में साइन करने वाले एक वोटर को $10,00,000 का चेक दे भी दिया। चेक लेने वाला शख्स पेंसिल्वेनिया में मस्क की रैली में शामिल हुआ था जो कि राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आयोजित की गई थी। मस्क की याचिका का समर्थन करने के बाद जॉन ड्रेहर नाम के एक शख्स को पहले दिन $10,00,000 का इनाम दिया गया। एलन मस्क ने जॉन को चेक थमाते हुए ये कहा कि उसे पता भी नहीं था कि उन्हें ये इनाम मिलने वाला है। अरबपति एलन मस्क राष्ट्रपति चुनाव में लगातार डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन के लिए अभियान चला रहे हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को हराने के लिए मस्क का पैसा इस्तेमाल करने का यह कदम काफी अनोखा माना जा रहा है। मस्क ने ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान के लिए अपना एक संगठन शुरू किया था और ये राजनीतिक संस्थान डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के बीच टकराव वाले राज्यों में रजिस्टर्ड वोटरों को अपने साथ लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि जानकार ये मानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि एलन मस्क राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक बनकर उभरे हैं। पूर्व राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में वापस लाने के लिए मस्क ने ट्रंप को $7.5 करोड़ दान दिए। एलन मस्क ने जिस संशोधन के समर्थन के लिए साइन अभियान चलाया है उससे पहले संशोधन में बोलने की स्वतंत्रता और दूसरे में हथियार रखने की बात की गई है। एलन मस्क के इस ऐलान पर विरोध भी देखा जा रहा है। खास बात यह है कि विजेता 7 स्विंग राज्यों से ही चुने जाएंगे। इन राज्यों में एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन शामिल है। बता दें ये ऐसे राज्य हैं जहां अभी तक वोटरों का रुख स्पष्ट नहीं है कि वो किसको वोट करेंगे, ट्रंप को या फिर कमला हैरिस को। एलन मस्क की इस घोषणा पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने सवाल भी उठाए हैं। पेंसिल्वेनिया के डेमोक्रेटिक गवर्नर जॉर्ज शापिरो ने इसे लेकर कानून बदलाव एजेंसियों से जांच की मांग की है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।